हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल केम छो एंड कैसा का है दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नमन गुप्ता फ्रॉम कार सोनिक्स मिनिस्टर रोड हैदराबाद। एंड दोस्तों आज हमारे पास आई है ये ब्यूटीफुल टाटा हैरियर व्हीकल ओवर हियर राइट फ्रॉम रायचूर टू गेट इट्स कार एक्सेसराइज। दोस्तों आज इस गाड़ी में आपको जो एक्सेसरीज दिखेंगे, जिस तरीके के अपग्रेड्स होने वाले हैं भाई साहब, गाड़ी पे दिल आ जाएगा वो बात की गारंटी है। द ब्यूटीफुल मोस्ट एक्सेसरी जो आज तक आपने मेरे कोई और वीडियो में नहीं देखा होगा जो हम इस हैरियर में डाल रहे हैं, इज द ब्रेथ टेकिंग एम्बियंस लाइट। फ्रेंड्स आज एम्बियंस लाइट में कई सारे ऑप्शंस हैं। वी हैव द रेजर स्टैटिक एम्बियंस लाइट, यू हैव सीन इन मेनी ऑफ माई वीडियोज द रेजर मैट्रिक्स एम्बियंस लाइट, एंड आज आप लोग को दिखाई देगा द रेजर क्रिस्टल एम्बियंस लाइट, एक ऐसा प्रोडक्ट जो आज तक आपने कभी देखा नहीं होगा। इसके अलावा कई सारे लाइटिंग अपग्रेड्स हो रहे हैं, फ्रंट रेड साइड प्रोटेक्शन किट्स आ रहे हैं, ये पुटिंग 3D 360 कैमरा इन इट, मैट्स लगने वाले हैं, मतलब तबीयत खुश हो जाएगी भाई देखकर। तो स्टे ट्यून्ड, गाड़ी हमारे पास है कल तक। आपको नेक्स्ट सेगमेंट बताऊंगा अंधेरे में, जहां पर हम इसके लाइटिंग अपग्रेड बताने वाले हैं और इसका एम्बियंस लाइट बताएंगे, एंड कल सुबह आप लोग को बताएंगे द रेस्ट ऑफ द अदर एक्सेसरीज किस तरीके से इसमें इंस्टॉल हुए। स्टे ट्यून्ड विद मी। दोस्तों इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉलेशन अब पूरी तरीके से हो चुका है कंप्लीट, एंड जैसा मैंने आप लोग को कमिट किया था, पहले मैं आप लोग को बताने वाला हूँ द डिफरेंस एक हाई बीम और फॉग लाइट बनाएगा इन दिस कार आफ्टर वी गिव यू द बेस्ट लाइटिंग सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो आप सामने देखिए, नॉर्मल स्ट्रीट लाइट रोड है इधर, कोई एक सिंगल पर्सन भी अंधेरी रोड वगैरह में हम टेस्ट करके कोई सेंसलेस काम ही नहीं। तो नॉर्मल स्ट्रीट लाइट रोड में सबसे पहले जब हम कंपनी की यहाँ पर एक लो बीम ऑन करेंगे तो आप देख सकते हो किस तरीके से ये लाइटिंग आ रही है। दिस इज जस्ट द लो बीम ऑफ द कार, हमने कोई चेंजेस नहीं किए। हम जब यहाँ पर फॉग लाइट ऑन करेंगे तो आप देख सकते हो दिस इज द ब्यूटीफुल स्प्रेड लाइट ऑफ दिस 110 वॉट्स जो हमारे लाइट्स हमने इसमें डाले हैं। इनफैक्ट फॉग लाइट्स इसके ये हाइट पे होते हैं दोस्तों की जो दूसरे गाड़ियों के हेडलाइट्स होते हैं, तो फॉग लाइट्स भी इसकी जो है अल्टीमेट स्प्रेड दे रही है। एंड अब हम जो हाई बीम डाले हैं उसका फोकस देखिए दोस्तों, दिस इज द हाई बीम जो एक टनल में लाइट मारे जैसा फोकस एंड थ्रो दे रहा है। सो अल्टीमेट सा फोकस थ्रो का अपग्रेड हो गया है पूरी गाड़ी के अंदर। स्लोली आई शो यू वन बाई वन अगेन ओवर हियर। तो आप देख सकते हो दिस इज विदाउट एनी लाइट ओवर हियर ऑन दिस रोड, ये हमारी सिर्फ लो बीम लाइट है, ये हमारी फॉग लाइट है, एंड ये हमारी हाई बीम है जो एक टनल में मारे जैसा लाइट ब्रिटन अप कर दे रही है। तो मतलब आगे पूरी तरीके से रोड चमक जाएगी वो बात की गारंटी है। सामने वाले को कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा क्योंकि हमारे कोई फ्लैशर लाइट्स नहीं होते, ना ही हमारे कोई ब्लूइश लाइट्स है, दीज आर द नेचुरल वाइट कलर लाइट्स। तो कोई एक सिंगल पर्सन भी आती है शोज नहीं, सामने वाले को कोई दिक्कत नहीं। एंड डालने करने के बाद आपको जिस तरीके से कन्वीनियंस एड अप होगा, इट इज ब्यूटीफुल। दोस्तों अभी आपने देखा इस गाड़ी की लाइटिंग किस तरीके से अपग्रेड हुई है एंड परफॉर्म कर रही थी। मैं अब बताने वाला हूँ दी अदर एक्सेसरीज जो हमने इस हैरियर गाड़ी में डाला है। सबसे पहले तो अगर आप देखोगे सामने के तरफ में हमने दिया है दिस ब्यूटीफुल ABS क्वालिटी फ्रंट डिफ्यूज़र इन दिस कार। दोस्तों एयरबैग्स कंपैटिबल स्ट्रॉन्ग ABS क्वालिटी का ये बम्पर है, कोई भी आके सामने से मारेगा सबसे पहले पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट रहेगा। लुक वाइज डिज़ाइन वाइज नो डाउट गाड़ी में एक अलग ही फील दे देता है। सेफ्टी वाइज सुपर्ब है। वी हैव टू ऑप्शंस इन इट, ज़्यादा सिल्वर थोड़ा ब्लैक या ज़्यादा ब्लैक थोड़ा सिल्वर। कस्टमर वॉन्टेड टू मेंटेन द थीम ऑफ ब्लैक, तो हमने इसमें ज़्यादा ब्लैक थोड़ा सिल्वर का ही ऑप्शन दिया है। लुक वाइज नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट वंस, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, गाड़ी को एक हटके प्रीमियम फील देगा ही देगा। इसके अलावा हमने इस गाड़ी के विंडशील्ड पे दिया है द नैनो सिरामिक फिल्म। फ्रेंड्स कस्टमर को साइड्स एंड डिक्की में नहीं चाहिए था, तो वी हैड द ऑप्शन ऑफ ओनली विंडशील्ड ऑल्सो जो हमने इसमें डाला है, क्योंकि ये कस्टमर सेल्फ ड्राइविंग कार थी उनकी, तो ही वॉन्टेड कि भाई सामने से उनको हीट रिजेक्शन आए ताकि आर्म्स वगैरह पे वो जो गर्मी होती है वो ना आए, एंड जो सामने से जो हेडलाइट की भी रोशनी आती है ऑपोजिट इनके जो गाड़ियाँ आते हैं, इन दिस यू विल हैव 40% ऑफ द ग्लेयर कट इन इट। तो आपको AC एफिशिएंसी के साथ साथ नाइट ड्राइव्स में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो हमने सिर्फ विंडशील्ड पे ही इधर सनफिल्म दिया है। इसके अलावा हमने दिए हैं हमारे डार्क एडिशन के रूफ रेल्स ओवर हियर। दोस्तों कोई यूनिवर्सल रूफ रेल्स नहीं है, कई सारे मेरे दोस्त लोग एटिगा के या इनोवा के रूफ रेल्स हैरियर को डाल देते हैं, बट बिल्कुल भी नहीं। दिस इज़ अ रूफ रेल मेड फॉर हैरियर। आप इसका फिटिंग देख सकते हो सामने की तरफ से कितना स्नग फिट बैठा है, प्रॉपर इधर दबकर इधर बढ़ जाता है, एंड इसका जो कर्वेचर है, इसका जो शेप है,
इट विल मेक श्योर कि पीछे की तरफ तक आप खुद देख सकते हो उतना ही नीट और स्नग फिट हो, तो क्वालिटी वाइज अनडाउटेडली वन ऑफ द बेस्ट वंस। इसके अलावा इसका जो साइड रनिंग बोर्ड भी डाला गया है, इट इज़ वेरी गुड क्लासिक क्वालिटी दोस्तों। पूरा स्टेनलेस स्टील का बॉर्डर है, कोई भी आके साइड से मारेगा इधर ही टच होगा, अंदर अल्यूमिनियम भरा हुआ है। द बेस्ट पार्ट अबाउट हैरियर का फुटरेस्ट इज दैट दोस्तों, जब दरवाज़ा बंद है इट कम आउट ऑफ योर कार्ड्स बॉडी मेजरली, मतलब बाहर ज़्यादा फटके नहीं आता है। लेकिन हम जब यहाँ पर दरवाज़ा ओपन करेंगे, इधर जिस तरीके का आपको एक एरिया दिखेगा, इट इज़ सुपर्ब फॉर यू टू रेस्ट योर लेग एंड गेट इन एंड गेट आउट। बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल, प्रैक्टिकल एंड क्वालिटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट है दोस्तों। अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स, इसका जो रेयर प्रोटेक्शन है दैट इज़ ऑल्सो वेरी क्लासी, वेरी कूल। मतलब मैक्सिमम लोग पीछे के तरफ में फाइबर का डिफ्यूज़र प्रेफर करते हैं हैरियर के लिए, बट बिल्कुल नहीं। द वन विच वी हैव इज़ दोस्तों स्टेनलेस स्टील रॉड ओवर हियर, हैरियर बैजिंग करा हुआ है, साइड में रिफ्लेक्टर्स, स्टेप इन स्टेप आउट प्लेट। तो लुक वाइज ये ब्लैक फाइबर के सामने ये ब्लैक स्टेनलेस स्टील बम्पर मर्ज हो जाएगा। आपने अलग से कुछ सेफ्टी के लिए स्टील रॉड डाला जैसा, आपको वो लाउड फील नहीं देगा, लेकिन कोई भी आके साइड से मारेगा, सामने से मारेगा, दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। तो सेफ्टी वाइज, लुक वाइज, डिज़ाइन वाइज, अ बिग थम्स अप। अपार्ट फ्रॉम दीज, जो हमने इसके इंटीरियर्स में एक्सेसरीज डाले दोस्तों, आइए मैं आप लोग को वो भी बताता हूँ जो बहुत ही ब्यूटीफुल। सबसे पहले तो हमारे स्कफ प्लेट्स, दीज आर द ब्लैक एडिशन स्कफ प्लेट्स जो हमने इस गाड़ी में डाले हैं। लुक्स वेरी एलिगेंट क्लासी, वो टिपिकल स्टेनलेस स्टील स्टीरियोटाइप स्कफ प्लेट्स को पूरा रोल्ड आउट कर दिया है। डालने करने के बाद बहुत ही ज़्यादा क्लासी एंड पर्पस भी सॉल्व कर देता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, द मोस्ट अवॉइटेड थिंग जो हमने इसमें डाले है इज़ दी एम्बियंस लाइट। फ्रेंड्स, एम्बियंस लाइट हमने इसमें इतने कॉन्सेप्ट आप लोग को बताए हैं, द रेगुलर एम्बियंस लाइट, द रेजर स्टैटिक एम्बियंस लाइट, द रेजर मैट्रिक्स एम्बियंस लाइट, एंड नाउ प्रेजेंटिंग द रेजर क्रिस्टल एम्बियंस लाइट। जी हाँ दोस्तों, दिस इज़ हाउ द प्रोडक्ट लुक्स आफ्टर इंस्टॉलेशन। जस्ट हैव अ लुक एट द फिटिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट ओवर हियर। ये जो एक अलग से फाइबर का पीस बैठा है, नो डाउट गाड़ी के अंदर बहुत ही क्लासी एंड प्रीमियम लुक देता है। इसके अलावा ये जो एम्बियंस लाइट है, इट इज़ ऑल्सो बीइंग स्ट्रेच्ड ऑन द डैशबोर्ड थ्रू आउट। कैन यू सी इट? इनविजिबल है दोस्तों, पता ही नहीं चलेगा कि है या नहीं। इसके अलावा हमारे फ्लोर एरियाज पे भी लगा है, डोर हैंडल में भी लगा है, बॉटल होल्डर्स में भी लगे हैं, बट आपको अभी कुछ दिखाई नहीं देगा। क्यों? अरे भाई ऑफ है, ऑन तो करने दो। ये मोबाइल खोलाऊँ, ये कनेक्ट कराऊँ, ऑन। जस्ट हैव अ लुक एट दिस ब्यूटिफुल पीस ऑफ आर्ट। ओ भाई साहब, दोस्तों डैशबोर्ड का एम्बियंस ब्यूटिफुल, क्लैरिटी, ब्राइटनेस कंटिन्यूस है, आप खुद देख सकते हो, इधर डार्क रहते हुए इधर लाइट होते हुए जाना चांस ही नहीं। डोर का एम्बियंस लाइट का टेक्सचर देखिए, इजंट इट ब्यूटिफुल? इसका जो ये ग्लो नीचे भी आ रहा है, टू गुड। डोर हैंडल में है, बॉटल होल्डर्स में है, फ्लोरिंग में भी है। एंड दोस्तों, ये कोई टिपिकल एम्बियंस लाइट जैसा नहीं है जहाँ पर द ब्राइटनेस एंड डोर हैंडल, बॉटल होल्डर्स एंड फ्लोरिंग इज़ टू ब्राइट। इसका जो मेन थीम है इज़ क्वालिटी, इसकी जो मेन थीम है इज़ द लग्जरी। इसका ये जो एक ब्राइटनेस है, इट इज़ इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड कि भाई डोर हैंडल में कम होना चाहिए, फ्लोरिंग में डिसेंट होना चाहिए, बॉटल होल्डर्स में कम होना चाहिए, लेकिन डोर पैड एंड डैशबोर्ड का जो एक एम्बियंस का फील है, इट शुड बी ब्राइट इनफ। इसका जो बेस्ट पार्ट है इज़ येट टू कम फ्रेंड्स। आप खाली अभी बस मोबाइल का कनेक्शन टू दिस एम्बियंस लाइट किस तरीके से कंट्रोल करता है और इसका मोड्स, बस उस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो हमारा स्टैंडर्ड मोड है, दैट इज़ द मल्टीपल कलर चेंजिंग। आप देख सकते हो मैं यहाँ पर जैसा मेरे RGB मीटर में चेंज कर रहा हूँ, एज इट इज़ गाड़ी के अंदर पूरा एम्बियंस नो डाउट चेंज हो रहा है, बट दैट इज़ नॉट द बिगेस्ट थिंग। इसका मेन मज़ा है बेसिकली जब हम यहाँ पर से इसके फ्लो मोड्स को चेंज करेंगे। देर आर मोर देन 22 मोड्स ओवर हियर एज इट इज़। हम जब यहाँ पर से कोई भी एक मोड सेलेक्ट करेंगे, तो आप देख सकते हो किस तरीके से ये एक मैट्रिक्स डिज़ाइन में फ्लो हो रहा है। कैन यू सी दैट ब्यूटिफुल एनिमेशन ऑफ दीज लाइट्स ओवर हियर फ्रेंड्स? कैन यू सी दैट एनिमेशन ऑन द डैशबोर्ड? आपको एक गाड़ी के अंदर एक प्रीमियम फील, एक लग्जरियस लुक अलग ही लेवल पे ट्रांसफॉर्म हो रहा है फ्रेंड्स। दिस इज़ जस्ट वन ऑफ द मेनी मोड्स जो इस गाड़ी के अंदर एम्बियंस लाइट आता है।
दिस इज़ अनदर मोड बेसिकली। आप देख सकते हो ब्लैक एंड रेड कलर के वेव्स आएंगे आपको जो कंटिन्यूसली इसके अंदर रन करेंगे। इसका ये जो टेक्सचर है, इसकी जो बॉडी है भाई, आजकल जो प्रीमियम व्हीकल्स आते हैं द BMW लग्जरी लाइंस, द ऑडी A8 एंड ऑल, बाई डिफॉल्ट उनके अंदर इस टाइप की एम्बियंस लाइट आती है। अगेन लॉट एंड लॉट ऑफ डिफरेंट मोड्स ओवर हियर। दिस इज़ अनदर मोड वेर इन यू कैन सी दैट मैट्रिक्स टाइप रन कर रही है लाइट, एंड इसके बाद देर विल बी वन बिग लाइट ओवर हियर, देन देर विल बी अ बिग कंटिन्यूटी ऑफ लाइट। येस, अब कलर बदलेगा, सेकेंड टाइम आएगी तो वो जो एक फील है गाड़ी के अंदर, जो एक लग्जरी लुक है भाई, दैट इज़ वॉट मेक्स योर कार डिफरेंट, दैट इज़ वॉट यू हैव बीन पेइंग फॉर। आज मार्केट के रेगुलर एम्बियंस लाइट डालकर क्या करोगे, ऐसी गाड़ी बनानी है कि 10 लोग पलट के देखें। ट्रस्ट मी, मैं जब ये फिटिंग कर रहा था, जब ये ऑन थी मेरे दुकान के पास भी, कंटिन्यूस लोग झांक झांक के देख रहे थे कि भाई ये क्या प्रोडक्ट लगा दिए हो नमन भाई। एंड फ्रेंड्स, दिन के टाइम पे उसकी ये ब्राइटनेस है, रात में आप इमेजिन करो कितना क्रेजी इसका लुक और बढ़ेगा। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स बाई फार विच हैज़ एवर कम आउट इन द एम्बियंस लाइट इंडस्ट्री, द रेजर क्रिस्टल एम्बियंस लाइट, सबसे प्रीमियम प्रोडक्ट, सबसे क्वालिटी कॉशियस प्रोडक्ट। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट अपग्रेड्स व्हाट वी हैव डन इन दिस हैरियर। लेकिन यहाँ ख़त्म नहीं होता है दोस्तों, आइए गाड़ी के अंदर मैं बताता हूँ किस तरीके से इस गाड़ी के अंदर एक 360 कैमरा भी डाला गया है। भाई अगर आप देखोगे तो इस गाड़ी के अंदर हमने सिस्टम को कोई चेंज नहीं किया है, इट इज़ द सेम स्टॉक प्लेयर, इट इज़ द सेम कंपनी प्लेयर ओवर हियर, कोई सिस्टम में चेंजेस नहीं है। बट हम जब यहाँ पर एक रिवर्स गियर डालेंगे तो आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ पर रिवर्स व्यू एंड बर्ड व्यू दोनों चीज़ आ जा रही है। रिवर्स व्यू से हटाऊंगा तो एज इट इज सामने का व्यू आएगा विद अ प्रॉपर बर्ड व्यू ओवर हियर। राइट इंडिकेटर डालूंगा तो आप देख सकते हो थ्री डायमेंशनल इमेज ऑफ द 360 कैमरा। जी हाँ दोस्तों, हमने इस बार कंपनी के स्टॉक प्लेयर में दिया है द थ्री डायमेंशनल कैमरा, जो आपको गाड़ी के पूरे आगे के 4 मीटर से लेकर पीछे के टायर तक पूरा व्यू देगा। लाइकवाइज जब लेफ्ट इंडिकेटर डालूंगा तो एज इट इज़ लेफ्ट साइड का पूरा व्यू उसी तरीके से आ जाएगा। भाई कैन यू सी द क्लैरिटी ऑफ दिस, कैन यू सी द क्वालिटी ऑफ इट, मतलब थ्री डायमेंशनल में भी जो क्लैरिटी आ रही है, जिस तरीके से जनरेट हो रही है, इट इज़ ब्यूटिफुल। अपार्ट फ्रॉम दिस, हम जैसे जैसे ड्राइव करेंगे एज इट इज़ ये पूरे गाड़ी के चारों तरफ रिकॉर्ड भी करते रहेगा, तो कल के दिन अगर कुछ भी एक्सीडेंट या कुछ भी होता है, हम इसी सिस्टम के अंदर रिवाइंड करके फुल HD क्लैरिटी में रनिंग में भी पूरा सब देख सकते हैं। तो सेफ्टी, लग्जरी, कन्वीनियंस तीनों का एक भरपूर परफेक्ट मिक्सचर है ये प्रोडक्ट। भाई अभी आपने देखा किस तरीके से हमने इस गाड़ी को एक्सेसराइज किया है, मतलब गाड़ी आज रायचूर से ड्राइव करके आ रही है तो उसे ऐसे बनाना ज़रूरी था, ऐसा एक एलिमेंट डालना उसमें ज़रूरी था कि भाई गाड़ी उधर जाने के बाद सब लोग पूछे कि कहाँ पर एक्सेसराइज हुई है। एंड वो जो आज आप लोग ट्रस्ट दिखा रहे हो, दैट इज़ समथिंग विच इज़ ड्राइविंग अस एवरी सिंगल डे। दोस्तों लेटेस्ट प्रोडक्ट्स लेके आना आज हमारा पैशन बन चुका है, एंड वो प्रोडक्ट्स तरीके से इंस्टॉल होना आप लोग के गाड़ी में इज़ बिकम आर ड्यूटी ओवर हियर। अगर आप लोग को भी हमारे ये प्रोडक्ट्स और ये लाइनअप पसंद आया हो तो ऑल यू हैव टू डू इज़ नीचे लाइक बटन को दबाइए, कमेंट्स में बताइए कैसा लगा आपको ये अपग्रेड। अगर आप चाहते हो आपकी भी कार हमारे पास एक्सेसराइज हो तो ऑल यू हैव टू डू इज़ ड्राइव डाउन टू कारसोनिक्स एट मिनिस्टर रोड हैदराबाद एंड वी कैन गेट इट गोइंग। एंड फ्रेंड्स, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि जितना आप लोग सब्सक्राइब करोगे उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा हर दिन आप लोग के लिए कुछ ना कुछ नया लेते आने। दिस इज़ नमन गुप्ता हियर साइनिंग ऑफ विद दिस ब्यूटिफुल हैरियर विद द क्रिस्टल एम्बियंस लाइट फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन हैदराबाद। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।